गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और आप इस न्यूमेरिकल को करने से पहले जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर है उस लेक्चर को देखिए, और देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली उसमें जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर कर दिए गए हैं, और जब सारे डाउट क्लियर करने के बाद न्यूमेरिकल किए जाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट जानने के बाद न्यूमेरिकल किया जाता है, तो न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट है। इसमें अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कोई बॉडी है और वो रेस्ट से स्टार्ट करेगी अपने मोशन को विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 m/s². तो बेटा हम यहां पर लिख रहे हैं टू अ बॉडी स्टार्ट आवर मोशन फ्रॉम द रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट आवर मोशन मोशन फ्रॉम रेस्ट। जब ये रेस्ट इसे स्टार्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है क्या कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी वो यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को यू रिप्रेजेंट करते हैं वो जीरो, और जीरो अगर कहीं पर भी इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो कहलाता है कि बॉडी हमारी रेस्ट में है। करा विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है क्या जी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को बेटा इस्तेमाल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका अमाउंट है 2 m/s², 2 m/s². इस तरीके से फाइंड करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस कवर द बॉडी 2 s, तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इन 2 s, 2 s में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू बेटा होता है ut प्लस हाफ at², where s इज द डिस्टेंस, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, एंड a इज द एक्सीलरेशन, एंड t इज द टाइम। और ये जो इक्वेशन है अप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यू इस इक्वेशन में, तो s इक्वल टू u, इट मीन्स ये रेस्ट से स्टार्ट किया जाना, तो 0 × t, t इक्वल टू बेटा बोल रहा है कि 2 s में सारा कैलकुलेशन आपको करना है, तो t इक्वल टू 2 + 1/2, और एक्सीलरेशन 2 m/s, एक्सीलरेशन a इक्वल टू 2 m/s (t²), और t² मीन्स 2, वैल्यू है इसकी 2, और स्क्वायर करो s इक्वल टू 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा बेटा 0 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां बचा 2² s इक्वल टू 2 × 4 यहां पर हो जाएगा इसका मीटर, तो s इक्वल टू 4 m। यहां से आंसर क्या आएगा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 s, जो बॉडी है हमारी फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जो बॉडी है वो 2 s में 4 m डिस्टेंस कवर करने जाएगा विथ द एक्सीलरेशन ऑफ 2 m/s². दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप कि समझ में भी आया होगा बेटा, तो नोट कर लीजिए इसे, और सेकंड का सॉल्यूशन लीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, हम सेकंड का सॉल्यूशन बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, देखिए अ बॉडी स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी है और अपने मोशन को स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी एंड व्हिच इज मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है इसका बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। एंड द एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और वो गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन इस क्वेश्चन में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इट इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में यानी कि टाइम भी दे रखा है, टाइम स्मॉल t इक्वल टू 5 सेकंड। तब आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो ये बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा ये s है और s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही आपको बेटा कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको जब ये कैलकुलेट करना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को कैलकुलेट करना है आपको, u की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड है, देखिए u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना है आपको 5 सेकंड है प्लस हाफ, और a की वैल्यू आपको कितना गिवन है एक्सीलरेशन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है बेटा आपको, टाइम आपको गिवन है 5 और इसका 5 का होल स्क्वायर है बिकॉज ऑफ t का स्क्वायर होगा। तो s इक्वल टू 10 और 5 ये हो जाएगा 15 प्लस 1/2 और 5 का 25 और इसे डिवाइड करेंगे 2 से बेटा तो आ जाएगा 62.5। डिवाइड करके देखिए 26 जा 12, 22 जा 4 बच रहा है 1 डेसिमल 0, 25 जा 10 62.5। s इक्वल टू ये ऐड करेंगे तो 0.5211 तो इतना मीटर आ जाएगा। इट मींस इन द सेकंड क्वेश्चन जो बॉडी हमारी ट्रेवल कर रही है इसी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से विद द एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन टी एट अ 5 सेकंड व्हिच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 112.5 मीटर। जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी 112.5 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये सेकंड में मेटर लेगा। तो ये भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं थर्ड मेटर बता रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है क्या? आना चाहिए, बहुत ही इजी है। कैसे आप इसे डील करेंगे, बस आप इससे पहले का मोशन इन वन डायमेंशन के सारे लेक्चर्स को देखिए। देखने के बाद वहां पर एक एक पॉइंट को समझाया कैसे गया है, कैसे उसे क्वेश्चन में डील किया गया, फिर इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से इजीली मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। पास करके नोट कीजिए बेटा, मैं सेकंड थर्ड मेथड बता रहा हूं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, अब व्हीकल इज एक्सीलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है, सपोज कर लेते हैं ये एक स्ट्रेट रोड है और इस पर एक व्हीकल चल रही है, वो सपोज कर लेते हैं ये है व्हीकल, वो
ये ऐसे चल रही है व्हीकल्स ऑन द स्ट्रेट रोड, इट्स वेलोसिटी एट एनी स्टैंड 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर अपॉन आवर बोला है आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद, यहां पर सपोज कर लेते हैं जीरो है तो 2 सेकंड के बाद अगर ये यहां पहुंच जा रही है ये इस पॉइंट पर इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये हमारी व्हीकल्स यहां पहुंच गई। ये व्हीकल्स यहां पहुंच गई तो बोल रहा है ये कि इट वेलोसिटी एट एनी स्टैंड 30 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद इट इज 33.6 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 33.6 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी वेलोसिटी हो गई बेटा। तो बोला एंड आफ्टर फर्दर 2 सेकंड, इसके बाद फिर 2 सेकंड के बाद यहां पर सपोज कर लेते हैं ये पहुंच गई है हमारी कार, ये तो ये फिर से t = 2 सेकंड बेटा बोल रहा है 2 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी 37.2 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो वेलोसिटी यहां पर 37.2 किलोमीटर अपॉन आवर, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी सॉरी एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना है बेटा, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैलकुलेट करना। अब आप यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी इक्वल टू 30 और 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो यहां से 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकंड। यहां पर भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 33.6 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और यहां से कैलकुलेट आप कर लीजिए 6 हो जाएगा ये, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = और फिर से क्या हो जाएगा कुछ कैंसिल होगा यहां 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 नहीं 2 × 3 = और 2 × 5 = 2 = 6 2 × 5 = 10 और यहां पॉइंट है तो यहां 12 हो जाएगा, तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा 0.28/3 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये वाली वेलोसिटी। इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए बेटा 37.2 और इनटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर 3 × 6 = और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 बचा 12, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 4, 3 यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 2 = 10 31/3 दिस इज द मीटर पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो आपको ये वेलोसिटी मिल गई, ये वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड 25/3 मीटर पर सेकंड मिला, ये वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में है ये आपको मीटर पर सेकंड में कितना मिला 28/3 मीटर पर सेकंड, ये जो वेलोसिटी है 37.2 किलोमीटर पर आवर ये मीटर पर सेकंड में 31.3 मीटर पर सेकंड मिला। तो आपको पूछ आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल्स इन मीटर पर सेकंड, तो व्हीकल्स का आपको जो ये पूछ रहा है कि आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, तो एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे बेटा तो फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, v की वैल्यू ये हो जाएगी ये 28/3 और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/3
प्लस ए कैलकुलेट करना है और टी आपका कितना है 2 सेकंड बाद 28/3 माइनस 25/3 इज इक्वल टू ए इंटू टू, 3 LCM ले लीजिए आप और 28 में से 25 माइनस होगा तो 3 बचेगा और 2a 3 कैंसिल, 8.1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। हियर दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, ये एक्सीलरेशन ऑफ द कार है इसका, कि ये इसका एक्सीलरेशन है। फिर आपको नेक्स्ट इसी में क्या पूछ रहा है बताओ, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल इन द मीटर पर सेकंड, ये तो आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका एक्सीलरेशन, बट इज द एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, पूछ रहा है क्या इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। अभी तो हम बता नहीं सकते हैं यूनिफॉर्म है, चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लो आप, यहां पर जब आप इस दोनों टर्म के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v इक्वल टू u प्लस at, तो अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अब ये हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं ना, तो ये इसके लिए इनिशियल और ये इसके लिए फाइनल। तो v इक्वल टू u प्लस at और v की वैल्यू 31/3 और u की वैल्यू 28/3 और प्लस a की वैल्यू a ही रहेगी, t की वैल्यू 2 सेकंड। यहां पर 31/3 माइनस 28/3 बेटा ये इक्वल के इस साइड में आएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और 2a यहां पर 3 और 31 माइनस 28 3 माइनस हो जाएगा 2a, 3 कैंसिल, 8.1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर पान सेकंड स्क्वायर। अब आप देखो बेटा 2 सेकंड पहले ही इसकी एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अब 2 सेकंड बाद या फाइनल पोजीशन से 2 सेकंड पहले भी इसका एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस यहां पर और यहां पर दोनों सेक्शन में देख रहे हैं तो इसका एक्सीलरेशन सेम है। इट मींस द आंसर ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म। यस, इसका एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है बेटा, इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड द लास्ट पांच सेकंड नोट कर लीजिए बेटा, इसके लिए लास्ट रिमेंटर है इसी का, पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिएगा। लास्ट इसी का है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है, तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी तो इसकी इनिशियल अगर वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू बेटा इसका क्या हो जाएगा, 0, u इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बोल रहा है कि स्टार्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, तो ये यहां पर हो जाएगा एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, यहां पर एक्सीलरेशन गिवन है। कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी कैलकुलेट आपको करना है, वेलोसिटी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेकंड पॉइंट इसका क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, और ये दोनों चीज एट 5 मीटर सेकंड पर, ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, एट 5 सेकंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल टू 5 सेकंड। अब आप यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, v इक्वल टू यू प्लस at, ये तो सब लोग जानते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस at,
और v की वैल्यू आपको बेटा कैलकुलेट करनी है, और u की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0 है, और a की वैल्यू आपको ये मालूम है 2 मीटर 5 सेकंड, और टाइम आपको ये मालूम है 5 सेकंड। v इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड, ये है द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। इसी तरीके से सेकंड का डिस्टेंस आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला होता है v² = u² + 2as। v स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, u स्क्वायर मीन्स 0² प्लस 2a मीन्स एक्सेलरेशन ये 2 है, और s आपको कैलकुलेट करना है। 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा आ जाएगा 100, 2 × 2 = 4, s इक्वल टू 25 मीटर, ये आंसर हो जाएगा बेटा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा बेटा, और इसको नोट कीजिए बेटा, आगे भी और आपको मिलकर बताएंगे इस सेक्शन में, पॉज करके नोट कीजिए बेटा। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बुलेट इनिशियली मूव्स विद अ वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड, स्ट्राइक अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर द पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। देखिए बेटा एक बुलेट है, सपोज कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, ये एक बुलेट, दिस इज द बुलेट, ये इसकी वेलोसिटी है u इक्वल टू 20 मीटर/सेकंड, इस वेलोसिटी से चलते आ रहा है और एक बड़े से टारगेट में ये एंट्री कर जाता है। सिंपल सी बात है, बुलेट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलकर आएगा, और यहां पर जो एंट्री करेगा ये बुलेट वो उसी स्पीड से एंट्री करेगा जिस स्पीड से बंदूक से निकला हुआ है, तो उसी स्पीड से ये एंट्री भी कर रहा है। u इक्वल टू 20 मीटर/सेकंड बेटा, अब देखते हैं क्या है, स्ट्राइक करता है टारगेट से, कम्स एट द रेस्ट आफ्टर द पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद ये बुलेट यहां पर आकर रेस्ट में आ जाता है। ये रेस्ट में आ गया, ये बुलेट रेस्ट में आने का मतलब v इक्वल टू 0 हो गया, और बोल रहा है कि रेस्ट में कब आता है, जब इस बड़े से टारगेट के अंदर 10 सेंटीमीटर ये ट्रेवल कर लेता है डिस्टेंस, s इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट करो रिटार्डेशन, यहां पर कौन से रिटार्डेशन से, ये बेटा रिटार्डेशन रेस्ट में आया है, रिटार्डेशन कौन से रिटार्डेशन से ये बेटा रेस्ट में आया है, तो रिटार्डेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो एक हम फार्मूला जानते हैं बेटा, v² = u² + 2as, बट यहां रिटार्डेशन है तो फार्मूले में बेटा हमें यूज करना पड़ेगा माइनस, सो हेयर v² = 0 का स्क्वायर, देखो आप 0 का स्क्वायर, u² = 20² - 2, a कैलकुलेट करना है, s 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²⁪ मीटर, बेटा s इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में है तो 10⁻²⁪ मीटर हो जाएगा। ये 0 है, ये 200, ये 400, 0 माइनस ये 2 और × 10⁻²⁪ a, ये इधर आ जाएगा तो 400 इक्वल टू 20 × 10⁻²⁪ a, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 / 20 × 10⁻²⁪, ये ऊपर जाएगा तो a इक्वल टू कितना मिलेगा 400 × 10⁻²² और by 20 ये डिवाइड हो गया 20 आ गया, a इक्वल टू 20 × 10⁻², को 100 ले सकते हैं बेटा, a इक्वल टू 2000 m/s² इस एक्सीलरेशन से टारगेट के अंदर जब ये एंट्री करेगा बुलेट तो इसी एक्सीलरेशन से रिटार्डेशन में आएगा, इसी रिटार्डेशन से ये रेस्ट में आएगा, तो v
इक्वल टू लास्ट में 10 सेंटीमीटर कवर करने के बाद इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। पॉज करके नोट कीजिए इसे, पॉज करके नोट कीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल है इसी का, मतलब 6 नंबर न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, a train moving with velocity 20 meter per second brought to rest। एक ट्रेन है और वो मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड की, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। और वो क्या है बेटा कि वो रेस्ट में आ जाता है अप्लाई द ब्रेक, अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं यानी कि फाइनल वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, तो रेस्ट का मतलब इक्वल टू लास्ट वाली का जीरो हो गई। लेकिन ये जीरो कब हुई, ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड। जैसे यहां पर हमारी बाइक है या ट्रेन है, यहां पर ट्रेन है बेटा, ये ट्रेन, और इस ट्रेन की वेलोसिटी यहां पर 20 मीटर पर सेकंड है और ब्रेक अप्लाई किए और यहां पर आके रुक गई है, यानी कि ये यहां से ब्रेक अप्लाई करने से यहां रुकने में टी इक्वल टू कितना है, 5 सेकंड है, ये बी इक्वल टू जीरो हो गया। तो बोल रहा है कि तब आप फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए रिटार्डेशन, तो इसका रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। तो हम एक फार्मूला लाते हैं v इक्वल टू u माइनस a t, यही फार्मूला लाते हैं बेटा। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू हमारी 20 है, माइनस a t की वैल्यू 5, तो 5 a इक्वल टू 20 और a इक्वल टू बेटा यहां से कितना मिलेगा हमें, 4 मीटर पर सेकंड इस पर, ये हमारा रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन होगा बेटा ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये रिटार्डेशन होगा बेटा। तो पॉज करके इससे भी नोट कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। सेवेंथ क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आर स्टेशन ए टू बी। एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी, और एक ट्रेन आ रही है बेटा और उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आर। और फिर बोल रहा है कि ट्रेन जो है वो कम्स बैक विथ स्पीड, और यही ट्रेन जब यहां पर जा रही है कम्स बैक विथ स्पीड, तो ये बोला है कि 80 किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड है। तो फ्रॉम द स्टेशन बी टू ए के लिए तो फाइंड कीजिए आप एवरेज स्पीड इसकी फाइंड करनी है बेटा हमें। तो एवरेज स्पीड के लिए आप फार्मूला लिखोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है बेटा अपन ये। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस एक्स, सपोज कर लेते हैं ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, तो एक्स जाएगा और एक्स आएगा, तो टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स। टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, यहां पर ये टाइम, इस जाने का टाइम जो होगा वो पी वन इक्वल टू कितना टाइम हो जाएगा, एक्स बाई 60 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और आने का टाइम यहां पर अगर देखें तो टी टू इक्वल टू जो टाइम होगा वो कितना होगा बेटा, एक्स बाई 80। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, या कह सकते हैं एक्स बाई 60 प्लस एक्स बाई 80। तो टोटल टाइम यहां से कैलकुलेट होकर जो आएगा ये टी इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पर रखेंगे टोटल टाइम में, टोटल टाइम तो एक्स बाई 60 प्लस एक्स बाई 80, इसे सॉल्व करेंगे तो 2x अपॉन 80 का x कॉमन ले लेंगे यहां पर, और 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 प्लस 60 और बाई 80
80 into 60, तो x से x कैंसिल बेटा और 2 into 80 into 60 upon 80 60 140, ये डिवाइड हो जाएगा और यहां से 160 यहां पर इसको डिवाइड कर दो 7 और 480 by 7 और यहां से डिवाइड कर लो 480 और 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करो बेटा सेवन से डिवाइड करके 7 6 42 बचा 6 यहां 0 7 8 56 बच रहा यहां पर 4 डेसिमल 0 7 5 35 बच रहा 5 7 7 का तो यहां पर आ जाएगा एवरेज स्पीड इज आ जाएगा 68.57 मीटर अपॉन सेकेंड. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा. नेक्स्ट इसी में एक टर्म और आपको फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है बेटा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन. तो सेकेंड पॉइंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन. तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन होता है बेटा उसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और जब बेटा हमारा ट्रेन ए से बी आया, बी से ए आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. और टाइम आपका कुछ भी है, सब कुछ मिलाकर आपका 0 हो गया, यानी कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई. तो इसे भी नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, पॉज करके नोट करो और प्रैक्टिस करो बेटा, मैंने कल प्रैक्टिस पर ही आएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है, आ ट्रेन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर अपॉन आर. अगर एक ट्रेन है और मूव कर रही है 90 किलोमीटर अपॉन आर से, 90 किलोमीटर अपॉन आर, इट ब्रॉट स्टॉप बाय द अप्लाइंग द ब्रेक्स विद द प्रोड्यूस द रिटार्डेशन ऑफ द. और जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो स्टॉप हो गया, लेकिन जो उसका रिटार्डेशन है बेटा 0.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है. तो फाइंड करना है आपको वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड. तो फर्स्ट में वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करने हैं. तो v इक्वल टू u माइनस at और v की वैल्यू 0 और v हमें कैलकुलेट करना है बेटा और u की वैल्यू 90 है और 90 ना होकर हम इसे 90 into 5/18 कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड. तो यहां पर हमें ये यहां पर देखिए बेटा, तो ये मिल जाएगा 25, यू की वैल्यू 25 माइनस और रिटार्डेशन 0.5 का हो रहा है और टी 10 सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है 10 सेकंड में. तो वी इक्वल टू 25 माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल 5 हो जाएगा बेटा और वी इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड पर, 10 सेकंड के बाद हो जाएगा बेटा. ये तो पूछ रहा है आपसे कि द वेलोसिटी ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड. और सेकंड पॉइंट इसी का पूछ रहा था, एक का ये फर्स्ट है और सेकंड ये है फर्स्ट. टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम्स रेस्ट, रेस्ट में आने में कितना टाइम लेगा, ले गई. तो यहां से फार्मूला होगा v इक्वल टू u माइनस at और v हमारा फाइनली 0 हो जा रहा है और u हमारा फाइनली 25 है और माइनस a रिटार्डेशन 0.5 है और इनटू टाइम कैलकुलेट करना है. तो 25 इधर आ जाएगा इस साइड में, तो यहां से 0.5 t कितना आ जाएगा बेटा, t इक्वल टू 25 बाय 0.5, डेसिमल कैंसिल करेंगे यहां 0 हो जाएगा
तो t इक्वल टू 25 बाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 50, t इक्वल टू 50 सेकंड में ये रेस्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ द एट क्वेश्चन और आई होप ये समझ में भी आया होगा। बेटा हम लोग इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आप इसका पूरा स्टडी कीजिए, सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए और एक एक पॉइंट आप नोट कीजिए। थैंक यू बेटा, ओके।